दोस्तों, यदि आप एक ई मित्र धारक हैं और आपको राशन कार्ड का प्रिंट करना नहीं आता है तो आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो आपको सर्विस में आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है राशन कार्ड। तो यहाँ पर आप राशन लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर राशन कार्ड की जितनी भी सेवाएं हैं वहां पर सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको ढूंढना है राशन कार्ड प्रिंट। तो यहाँ पर देखिए, ये मिल गया है राशन कार्ड प्रिंट, इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट पूछेगा। यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट कर रहा है फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप थर्ड पार्टी पे आ जाएंगे। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा। कुछ इस प्रकार का आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा और आप जाएंगे राशन कार्ड की वेबसाइट पे। यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ से आपको ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी तहसील से आपने आवेदन किया है वो तहसील सिलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मास्टर दिख रहा है। यहाँ पर ऑल एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले हमें फॉर्म नंबर चाहिए, तो फॉर्म नंबर हम यहाँ से ढूंढेंगे। अब यहाँ पर हम सर्च पे क्लिक कर लेंगे। अब जिस व्यक्ति का हमें राशन कार्ड का प्रिंट निकालना है तो उसका यहाँ पर राशन कार्ड नंबर आप ऊपर सर्च में लगा सकते हैं, जिससे आप आसानी से जल्दी ढूंढ सकते हैं। वरना आप डायरेक्ट, यदि आपके कम राशन कार्ड के आवेदन किए हुए हैं तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, वरना यहाँ पर आपको इस प्रकार ढूंढना होगा। फिर यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर मिल जाएंगे जिसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रिंट कार्ड पे क्लिक कर लेना है। प्रिंट कार्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर डालना है, ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में नीचे जनरेट टोकन पे क्लिक करना है और प्रिंट कार्ड पे क्लिक कर लेना है। प्रिंट कार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये आपका राशन कार्ड आ चुका है। राशन कार्ड में यदि डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिखाए तो आपको फॉक्सी रीडर में इसे ओपन करना होगा। तो हम यहाँ से फॉक्सी रीडर में इसे ओपन कर लेते हैं। फॉक्सी रीडर में ओपन करने के बाद में जो भी आपका यहाँ पर फाइल सिग्नेचर नहीं दिखाई दे रही थी वो यहाँ पर सिग्नेचर राइट का निशान आ चुका है। अब हमें इसे प्रिंट आउट देने के लिए जैसे ही प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे तो मल्टी पेज पर शीट पे आपको क्लिक कर लेना है, जिससे आपका राशन कार्ड आधे पेज पे आसानी से आ जाए, जिसे आप दोबारा मोड़ के राशन कार्ड के अंदर आसानी से फिट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करने के बाद में प्रिंट निकल जाएगा। इस प्रकार आप राशन कार्ड प्रिंट निकाल कर अपने कस्टमर को दे सकते हैं।